हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे और कुशल मंगल से होंगे। और आप लोगों को एक बार फिर से धनतेरस और दीपावली की बहुत सारी बधाइयाँ। आप लोग दीपावली विश कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं भी आपको एडवांस में ही, लेकिन ये ब्लॉग पहुँचेगा तो दीपावली ही होगी, तो इसलिए दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पर मंदिर की सफाई मैंने बताया था, तो मंदिर की सफाई हो रही है और डेंटिंग पेंटिंग भी साथ ही साथ हो रही है। मैं आप लोग भी थक गए होंगे देख देख के सफाई और ये डेंटिंग पेंटिंग, इसलिए मैं ज़्यादा आप लोगों को दिखा भी नहीं रही। और कई चीज़ें तो मैंने दिखाई भी नहीं, क्योंकि मेरी आदत है, मुझे एकदम अंदर से जहाँ पे आप मतलब कोई देख भी नहीं सकता वो भी क्लीन होना चाहिए। कोने कोने का मतलब अंदर तक साफ करने की आदत है ना, इसलिए ज़्यादा टाइम भी लगा है। और ये डेंटिंग पेंटिंग में भी तो पूरा घर ही समझ लीजिए, ऊपर से नीचे तक कहीं भी नहीं बचा है, सब जगह हमने डेंट पेंट कर डाला है। तो बस मंदिर में दीपक जलाया है और तुलसी माता को जलाया है। तो दीपक तो हम वैसे भी डेली ही जलाते हैं, पर आज के दिन गेट पे भी मैंने जला दिया था दीपक। आज से ही शुरू हो जाता है, ये 5 दिन का त्यौहार लगातार चलता है। पहले धनतेरस, फिर छोटी दीपावली, फिर बड़ी दीपावली, फिर गोवर्धन पूजा, फिर भाई दूज। तो ये 5 दिवसीय त्यौहार जो है शुरू हो चुका है। तो 5 दिन लगातार मैं दीपक, दीपावली के दिन तो जलता ही है, आज से शुरू हो गया, तो 5 दिन तक मैं यहाँ पे दीपक गेट पे ज़रूर जलाती हूँ। तो हो गई है शाम और मार्केट जा रही हूँ धनतेरस की, कुछ शॉपिंग करके आऊँ। ये लोग यहाँ पे आराम से रहना, ये है नहीं, ड्यूटी पे है, बंद कर लेना दीपू, आराम से रहना, मैं आती हूँ। तो बस चलते हैं, देखती हूँ क्या लेना है, शॉपिंग कर लेते हैं थोड़ी बहुत। धनतेरस पे तो करी जाती है, मार्केट में तो बहुत भीड़ होगी और शाम का समय हो गया है, तो ठंडा भी मौसम है, इसलिए मैंने हाफ स्वेटर भी डाल लिया है ताकि ठंडी ना लगे। बस तैयार है, बस चलते हैं। पहुंच गई हूं मैं मार्केट, और मार्केट में रौनक देखिए किस तरह से सजा हुआ होता है। और छोटी से लेके बड़ी तक दुकानें, हर चीज़ की दुकानें सजी होती हैं। बाहर से भी बहुत सारे लोग इस दीपावली के त्यौहार पे बेचने के लिए आते हैं। तो बस यहाँ पे बर्तन ले रही हूँ, तो हम लोगों के यहाँ बर्तन ज़रूर लेते हैं, शुरू से रिवाज चला आ रहा है। और अब तो चांदी, सोना और बहुत सारे सामान, मतलब आज के दिन तो दुकान मतलब सजी ही रहती है, और छोटी छोटी दुकानें भी। तो मैंने ऐसा किया कि जो थोड़े बड़े जैसे सामान है जो बड़ी दुकानों से ही ले सकते हैं वही लिया है, छोटे मोटे सामान छोड़ दिए हैं मैंने। तो शॉपिंग करके आ गई हूँ, और ये देखिए इतने सारे सामान, ये सब लेके आई हूँ मैं। और हालत थोड़ी बुरी है, थक गई हूँ मैं, दिन भर एक तो काम था, उसके बाद मार्केट वगैरह सब कुछ करने के बाद लग रहा होगा, चेहरे से पता चल रहा होगा कि थकाई सी लग गई है। और बस अभी खाना, मेरी हिम्मत भी नहीं पड़ रही है, अभी मैंने वीडियो नहीं डाला है, बहुत लेट हो गया क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं मिला। तो सोच रही हूँ अभी एडिट करके डाल दूँ, नहीं फिर पीछे पीछे होते जाएंगे। तो दीक्षा भी हेल्प करेगी, तो खाना पीना होगा, तो ये सब आपको मैं कल दिखा दूँगी कि क्या लेके आई थी। तो यहाँ पे दीपू दीक्षा मिलके कर रही हैं, क्योंकि मेरी थोड़ी सी मैं थक भी गई हूँ, और दूसरा मुझे वीडियो भी एडिट करके डालना था, तो मैं उसमें लग गई हूँ। और ये दोनों लोगों ने मिलके बना लिया है खाना। तो बस ये अगले दिन की सुबह है, तो सुबह सुबह हम लोग उठ जाते हैं, और ये प्रभात फेरी होती है हम लोगों के यहाँ, जो बड़ी सनातन धर्म मंदिर है वहाँ से निकलते हैं। ये गाजे बाजे के साथ ऐसे पूरा देख रहे हैं आप लोग, कितने ढेर सारे लोग। ये सुबह एक महीने जो कार्तिक ये महीना चलता है, ये पूरे महीने में ही ये सुबह प्रभात फेरी लगाते हैं। और ये देखिए कितने सारे लोग मतलब साथ में पीछे पीछे जाते हैं, ये हर गली मोहल्ले में मतलब डेली अलग अलग जगह से ये गुजरते हैं। गुड मॉर्निंग। और बस अब ऊपर आ गए हैं मंदिर, ये देखिए कल का डाले हैं और लग गए हैं काम में। अभी यहाँ की सफाई होगी छत की, सबसे पहले सुबह सुबह झाड़ू वगैरह लगाएंगे। और ये देखिए कितने सुंदर फूल खिले हैं ना, गुलाब के बहुत सारी, 3-4 गुलाब के फूल खिले हैं। मैंने कहा चलो लक्ष्मी माता को चढ़ाने के लिए दीपावली के दिन फूल ही फूल हो गए हमारे पास।
तो बस अभी यहाँ पे ये लग चुके हैं। मैं भी उठ के उठ तो जाते ही है, जानते ही है 5 बजे उठना होता है हम लोग का। उठ गए थे और चाय पानी सब हो चुका है हम लोगों का, और अब अभी बच्चे तो नहीं उठे हैं, हम लोग उठेंगे। सबसे पहले भी यहाँ छत पे झाड़ू देखिए, दो दो झाड़ू ये रखी है, एक मैं लूँगी एक ये लेंगे, झाड़ू लगाएंगे, उसके बाद और आगे काम होते रहेंगे। काम तो ख़त्म ही नहीं होने वाला जब तक हमारी ज़िंदगी है, कुछ ना कुछ लगा रहता। जैसे आदमी की आंखें बंद होती है, सारे काम सारे दुनिया की झंझट सब खत्म हो जाती, लेकिन जब तक जीवन तब तक आदमी लगा ही रहता है। तो बस छत की भी सारे पौधे हटा हटा के अच्छे से छत की भी सफाई हम दोनों लोगों ने मिलके, मैंने कहा सबसे पहले सुबह का यही कर लेते हैं, और उसके बाद फिर लगा दी है मैंने वॉशिंग, क्योंकि कपड़े मतलब उस दिन तो धुले थे, उसके बाद भी ये डेंटिंग पेंटिंग होने की वजह से ना कई कपड़े जो मतलब पेंटिंग नहीं भी कर रहे थे, कहीं पेंट छू जा रहा था कहीं कुछ तो लग गए थे, तो मैंने इन सारे कपड़ों को सुबह ही मैंने कहा धुल के हटा देती हूँ, वॉशिंग लगा दी है, और उसके बाद धुलने के बाद बस सफाई हो गई है। और यहाँ पे ये सिस्टम है, कोई भी त्यौहार होता है तो ऐसे ढोलक बजाने वाले हर गेट पे बजाते हैं, तो जिसका जो मर्जी आता है दे देता है। और दान पुण्य करना भी चाहिए दीपावली की, गरीब होते हैं जो जो ऐसे मांगते हैं, जो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो मेहनत किए बिना ही मांगते हैं, और यंग रहते हैं उनको देने का मेरा मन नहीं करता है कि आप कर सकते हो कुछ भी, और ये तो कुछ तो कर रहे हैं, कुछ बजा के मांग रहे हैं, इनको देखिए ये पता नहीं कैसे मतलब अपने शरीर पर ही कोड़े मार के और ढोलक गाड़े के साथ गेट गेट पे मतलब ये भी मांग रहे हैं। तो मुझे ऐसे लोगों को देने का बहुत मन करता है कि जैसे कोई त्योहार है कुछ है जरूर दान पुण्य करना चाहिए। तो बस अभी हो गई है शाम, और ये मैंने फूल तोड़े हैं, सोचा है कि बंधनवार और माला वगैरह बना लूँगी। हर बार वैसे हम खरीद के लाते थे, पर इस बार फूल बहुत सारे हुए हैं, तो मैंने कहा अपने हाथों से बना के चढ़ाऊँगी, उसकी भी मुझे अलग ही खुशी हो रही है। और उसके बाद बस मार्केट आ गई हूँ, तो आज मार्केट से मैं छोटी छोटी चीज़ें, बड़ी चीज़ें तो जो थी वो धनतेरस के दिन ही ले गई थी, पर मुझे ना ये रोड वालों से जो रोड पर लगा के रखते हैं इनसे ख़रीदना था, क्योंकि ये गरीब जो होते हैं जो छोटी छोटी शॉप लेके घूमते हैं इनका तो घर इसी से चलता है, तो इसलिए मैं बड़ी दुकानों से जो चीज़ छोटी पे नहीं लेना चाहिए मतलब नहीं मिल पाती वो लेती हूँ और इनसे ख़रीदती हूँ, ताकि इनका भी घर दीपावली पे मतलब त्यौहार अच्छे से मना सकें। और यहाँ पे दीपक मैं ले रही हूँ, इसीलिए मैं रात में नहीं लेके गई थी, क्योंकि ये छोटी छोटी दुकानें मुझे ना रात में समझ में नहीं आ रही थी कहाँ कहाँ लगा रखे थे, टाइम भी नहीं था मेरे पास, तो मैं बस बड़ी बड़ी चीज़ें जो भी मतलब बर्तन वगैरह थे वो लेके निकल गई थी, और अभी घर आ गई हूँ। और आज बहुत दिन हो गए, इन लोग का मन था मोमो चाउमीन ये खाने का, मैं बना नहीं पा रही थी, तो मैंने कहा मार्केट से ही ला के इन्हें खिला देती हूँ, कई दिन हो गए हैं तो बच्चों का तो जानते ही मन ऐसा होता है, तो बस ये लोग लग चुके हैं खाने में। तो हो गई मेरी शॉपिंग, तुम लोग भी बैठ जाओ भाई, इधर खड़े हुए हैं दीपू, हम लोग बैक स्टेज है। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ अपनी धनतेरस की शॉपिंग, नहीं बाद में कहेंगे दिखाया नहीं भाई, मुझे भी अच्छा लगता है आप लोग को दिखाने में मैंने क्या लिया है। तो सबसे पहले जो दिखाऊंगी, मैंने धनतेरस पे ये खरीदा है, कैसे लग रहे हैं, तो ये बहुत दिनों से मैं सोच रही थी जब कोई पूजा पाठ हो तो दोनों तरफ ऐसे जला के रखे, जैसे कोई खास पूजा जो हम करते हैं किसी खास दिन के लिए, उसके लिए मैंने इस बार धनतेरस को ये खरीदे हैं, तो प्यारे लग रहे हैं ना। और इसमें तो पूजा पाठ का पूरा ये झोला भरा है जो हम लोग यहाँ चढ़ाते हैं, एक थैला ये भी है, कई सामान है इसमें, तो ये सारी चीजें पूजा पाठ की है, तो इसको तो आप लोग को पूजा करूंगी तब देख लीजिएगा। और एक है ये सबसे मेन सामान जो हमारे लक्ष्मी गणेश जी हैं, ये हर साल मैं एक क्वाइन लेती हूँ हर दीपावली पे, तो इस बार भी ये मैंने दर्शन लक्ष्मी जी गणेश जी का, तो एक ये कॉइन है। और उसके बाद कुछ शॉपिंग कल करी थी, कुछ शॉपिंग आज करी है, तो वहाँ तो मैंने ये देखे कितने प्यारे प्यारे इयररिंग ये मैंने लिए हैं, मुझे अच्छे लगे तो मैंने कहा ले लेती हूँ,
और मैंने कान में कुछ डाले भी नहीं थे, तो मन तो किया कि वही पहन लूं, फिर इतनी भीड़ में जल्दी जल्दी में मैंने नहीं पहने, ये निकल गया है। दो तीन इयर रिंग ये हैं और एक ये है, दो तीन इयर रिंग मैं जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो हमेशा की तरह मैं सोचती हूँ कि लंबा ना हो, और धनतेरस पे हर बार कुछ ना कुछ मतलब शॉपिंग सोचते सोचते हो ही जाती कि ये ले लो वही, बहुत सारी चीजें क्योंकि इतना दुकान वहां लगी रहती है। स्टील की कढ़ाई मैंने ली, मुझे नॉन स्टिक और लोहे की दस्ते की मतलब स्टील की लेने की मन थी कि स्टील में बनाऊ, तो एक स्टील की कढ़ाई ले ली है ये लिया है मैंने, एक झाड़ू एक जाला मारने वाला नहीं था, दो ये छोटे छोटे से दो टेडी बेयर दीक्षा ने लिए हैं और चाहिए था, एक ये लग लिया है, और इस बार मैंने इनके लिए लिया है ये देखिए एक कुर्ता पैजामा, मैंने कहा दीपावली पे इस बार कुर्ता पैजामा पहन के पूजा करेंगे, इनके पास थे पर काफी दिन पुराने हो गए थे तो पहन नहीं रहे थे, तो मैंने कहा नए ले आती हूँ, और एक ये कप का सेट लिया है, कप भी मेरे काफी दिनों से पटाखे छूट रहे हैं, दीपावली अभी कल है तो आज ही शोर मचा पड़ा है, ये कप का सेट लिया है एक, क्योंकि जो थे वो मेरे थोड़े से पुराने से हो गए थे, उसमें कहीं कहीं से चीटिक से गए थे, तो मैंने कहा एक नया ले आती हूँ दीपक, और ये देखिए ये दरवाजे के साइड साइड से लगाने के लिए है लटकन, ये लगाऊंगी मैं, ये लिया है, दो डोरमैट लिए हैं, तो हर साल हम दीपावली पे डोरमैट नया ले आते हैं, ये दो डोरमैट मैंने लिए हैं, और एक ये लिया है नए फूल लगाऊंगी मैं अपने जो फ्लावर पॉट है उसमें, उसके लिए लिया है, उसके बाद ये फ्रूट ये सब पूरा झोला जो भरा है ये पूजा का सामान का है, तो बस यही शॉपिंग मैंने करी है, हो गई मेरी। अब एक लोअर लिया था देवगा, उसने पहन भी लिया है गर्म लोअर, मैंने कहा उसका खराब छोटा हो रहा था पिछले साल का तो मैंने लिया, बस यही शॉपिंग करी दो दिन के अंदर में, लेकिन पूरा शॉपिंग करने में टाइम जितनी करें पर टाइम बहुत लगता है, तो बहुत टाइम हो गया है, और अभी खाना बनाना बाकी है तो चलती हूँ मैं खाना मतलब दीक्षा गई है क्योंकि अभी भी बहुत सारे काम पड़े हैं, आप लोग थक गए होंगे सुन सुन के कि बहुत सारे काम पर क्या करें, हम लेडीजों को होते ही है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और आप लोग को मेरी शॉपिंग कैसी लगी है प्लीज बताइएगा और लाइक कर दीजिएगा, आप लोग की लाइक और कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है, उसके लिए थैंक यू भी बोल रही हूँ बड़ा वाला थैंक यू, तो चलिए फिर बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और पोषी रहिए, खूब बढ़िया दीपावली मनाइए, बाय।